आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है, जलीय कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघटन में एनोड एवं कैथोड पर उत्पन्न गैसें कौन सी होगी? H2SO2 तथा H2SO3 एवं O2। तो देखो, जलीय कॉपर सल्फेट का जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो ये कॉपर सल्फेट जब अपघटित होगा तो ये क्या होगा, Cu2+ और यहाँ पे सल्फेट आयन बनेगा SO4 2-, और इसका जलीय विलयन है तो जल भी अपघटित होगा, तो जल जब अपघटित होता है तो ये 2H+ और 2OH- आयन ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि ये अगर यहाँ पे बात करें तो ये कैथोड पर है, तो कैथोड पर क्या होगा, अगर कैथोड पर देखें तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल है कैथोड पर, तो कैथोड पर वाटर मॉलिक्यूल की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर सपोज कर लो वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन आयन कैथोड पर कुछ ऐसा अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर सपोज कर लो 2H2O है हमारे पास, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेगा और साथ में क्या कर लेगा, 2OH- आयन बना लेगा, ओके। तो इस तरह से ये ब्रेक कर जाता है ना, ये क्या कर लेता है, H2 गैस बना लेता है और 2OH- आयन बना लेता है। तो इस तरह ये कैथोड पर कौन सा गैस निकल रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और एनोड पर कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होता है। एनोड पर अगर देखेंगे हम लोग तो एनोड पर क्या हुआ, ये जलीय विलयन है तो ये H2O जब इसका एनोड पर अभिक्रिया किया जाएगा तो ये 2H+ साथ में हाफ O2 बनाता है और साथ में दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एनोड पर अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन, तो हम लोग को यहाँ पे पहले एनोड दिया गया फिर कैथोड दिया, तो एनोड पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और कैथोड पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है SO2 एवं H2SO4 H2, गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनता, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे किसके लिए दिया हुआ है, एनोड के लिए, लेकिन एनोड पर ऑक्सीजन होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड तो यहाँ बनता ही नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।